नाम है? अजीत कुमार। अजीत, क्या कहना चाहते हैं एनसीएल का जो आप लोगों का मामला है और रिजल्ट जारी नहीं हो रहा? देखिए, सिर्फ एनसीएल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आयोग के द्वारा दिसंबर में ही काउंसलिंग करवा लिया गया है तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द मेरिट दे दिया जाए, ताकि आठ साल से पिछले लगातार आठ साल से लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि अभी मेरिट आ जाए, अभी मेरिट आ जाए, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा एनसीएल का फंस गया जिसके वजह से लोग ऐसा हम लोगों के साथ लगातार हो रहा है। ठीक है, एनसीएल का मुद्दा है तो वो आयोग समझेगी, न्यायालय समझेगा, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि मेरिट हटा दिया जाए और मेरिट आ जाए, ताकि ये तो पता चल जाए कि उनका मान्य हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि चाहे जो भी हो, पिटिशनर हो, चाहे इनके साथ कोई नेता हो, कोई हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। हम ये कहेंगे सर कि राजनीति मत करिए इनके साथ। 11,000 लड़के प्रताड़ित हैं सर, 12,000 लड़के प्रताड़ित हैं, तो ये ऐसा मत करिए, ये बहुत बुरा है सर। और लोग इस हालत से गुजर रहे हैं कि ऐसा है कि हम जब कभी कभी छोटे मोटे लड़कों कुछ लड़कों से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं ना कि सर ये हालत हो गया है मेरा कि बहन का शादी है, घर में पैसा नहीं है। कोई कहता है कि फादर का डेथ हो गया है, अब इकोनॉमिक कंडीशन इतना बुरा हो गया है, इतना बुरा हो गया है कि घर चलना मुश्किल हो गया है। एक लड़का तो हमको यहाँ तक बोल दिया कि उसकी माँ बाप दोनों का मृत्यु हो चुका है। बताइए ऐसे ऐसे लड़के कैसे जीवित रहेंगे? कई लड़के तो ऐसे बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। कितने लोगों को हम लोग समझा सकते हैं? तो हम लोग बस यही निवेदन करते हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए, बस जल्द से जल्द स्टे हटवा के मेरिट दे दिया जाए। जिस तरह की दरोगा वाला पिछले 2446 में स्टे हटा के रिजल्ट दे दिया गया, उस तरह हम लोग भी चाहते हैं कि रिजल्ट दे दे। बाकी अगर केस कुछ और मैटर है, हमको नहीं पता क्या है इन लोगों को करना है, एनसीएल मान्य हो ना हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान हो जाए हमको कोई हानि नहीं। यहाँ पर तो फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि एनसीएल मान हो या ना हो, आपने बोला अजीत, तो एनसीएल मान्य हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके दायरे में आ रहे हैं उन पर तो उन्हें तो फर्क पड़ता है। हम इसलिए बोले ना कि थोड़ा सा हम गुस्सा में बोले हैं ना कि आप केस किए हैं तो आप कायदे से केस को क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप केस को तरीके से लड़िए ना, आप सुनवाई होने दे रहे हैं, लिस्टिंग करवा रहे हैं, डेट पे डेट आप लिए जा रहे हैं, आखिर किस तरह से आप केस लड़ रहे हैं, आखिर क्या आपका तरीका केस लड़ने का? मेन मामला यह है कि मेरिट हाल में जारी होना चाहिए, मेरिट। बस मेरा एक ही मुद्दा है, जल्द से जल्द मेरिट जारी करवाइए और उसके बाद देख तो लीजिए कि किसका सिलेक्शन होता है नहीं होता है। अरे आप टेक्निकली मैम इसको जांच देखिए, कितना वैकेंसी है, कितने लड़के हैं जनरल वाले, बहुत कम संख्या है। कि हो सकता है कि उन लड़कों का जनरल कोटा से ही जॉब हो जाए, लेकिन नहीं, ये लोग आतुर होकर के ये कर दिए। आयोग भी अपना स्टैंड प्रॉपर क्लियर नहीं कर रहा है कि कैसे कब किया जाए। जल्द से जल्द इसको भी चाहिए कि भाई लिस्टिंग करवा के सुनवाई करवा लिया जाए, स्टे हटवा लिया जाए और मेरिट दे दिया जाए। और भी कुछ लड़के हैं आप? विकास कुमार। विकास, क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाए। इसमें बहुत देर हो चुका है, 8 साल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, फिर उसके बाद भी अभी कोई इतने समय नहीं मालूम नहीं चल रहा है कब केस का भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, केस भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आयोग को चाहिए कि पिटिशनर नहीं करा रहे तो खुद ही एजी साहब से करके करवाएं। एजी साहब तो अपने थ्रू करवा ही सकते हैं, क्योंकि वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका ये राइट है।